अभी अनबॉक्सिंग होगी। चलो भाई चलो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो होप सो आप सब खैरियत से हैं। तो आज सैटरडे नाइट है और सैटरडे नाइट को मोस्टली मैं फूड ब्लॉग रिकॉर्ड करता हूं, और आज का ब्लॉग काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि एक वेंचर है बुराक फूड के नाम से, जहां पहले मैं कभी नहीं गया। नाम मैंने सुना था लेकिन मैं कभी गया नहीं, इत्तफाकन जाना नहीं हुआ। खुदादाद कॉलोनी के पास है, कहीं नुमाइश के पास। तो तारीफ़ काफ़ी सुनी है, ज़िशान भी काफ़ी तारीफ़ कर रहा था, उसने बोला कि आज भाई वहाँ जाते हैं, तो अब देखें वहाँ चलते हैं, पहले देखते हैं वहाँ क्या सीन्स हैं और कैसा खाना उसका लगता है। तो भाई ये सब बातें मैं अपने रूम में इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि वहाँ जाके बिल्कुल ऐसा कुछ मौका नहीं मिलता कि आप कुछ इतना अच्छे से रिकॉर्ड कर पाओ, क्योंकि भूख सबको बहुत लगी हुई होती है और ऑर्डर टाइम भी काफ़ी अच्छा था, 5-10 मिनट में आ गया था। और हाँ, पेड प्रमोशन नहीं है भाई, पहले ही बताता हूँ कि फूड ब्लॉग्स मेरे पेड प्रमोशंस नहीं होते और ना मैंने कोई चैनल पर प्रमोशन ऐसी स्टार्ट की है। सेकेंड, मैं बंस रोड की बात कर रहा था। तो भाई दुनिया भर की सख्तियाँ जो हैं वो सिर्फ बंस रोड के लिए है, क्योंकि बुराक फूड पे, पहले तो आप ये वीडियो देखो, उनके खाने की जो छोटा सा एक क्लिप रिकॉर्ड किया है वो चेक करो, फिर उसके बाद डिटेल में बात करते हैं कि कैसा रहा और कैसा लगा। तो भाई जिंगर सैंडविच और कंप्लीट चीज़ें काफ़ी ज़बरदस्त थी, उनकी डील्स बहुत ज़बरदस्त थी यार। हमने 2 डील्स ऑर्डर की, हम 5 लोग थे और बिल काफ़ी मतलब इजी रहा, इतना ज़्यादा भी नहीं था, आउट ऑफ बजट भी नहीं था और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था, बहुत फैंटेस्टिक। भाई ज़िशान ने यकीन माने रिकमेंड किया है, इंस्टाग्राम लिंक उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो भाई जाओ उसको फॉलो करो, चेक करो, रिकमेंडेशन बहुत आला दिया उसने। तो खाना आपने देखा, जिंगर की मैं क्वांटिटी कहूँगा, जिंगर वाकई बाकी रेस्टोरेंट से थोड़ा छोटा था, लेकिन टेस्ट वाइज मैं कहता हूँ मैंने ऐसा जिंगर नहीं खाया। मैंने बहुत जगह का जिंगर टेस्ट किया है लेकिन ऐसा जिंगर मैंने नहीं खाया भाई। क्यों? क्योंकि हर चीज़ बिल्कुल मेरे हिसाब से फ्रेश थी और बहुत ज़्यादा एक वो कहते हैं ना रसभरी और टेस्टी थी। सैंडविच भी बहुत आउट क्लास था, मतलब मरा हुआ सैंडविच एक होता है, काफ़ी जगह का एक्सपीरियंस मेरा रहा है कि बिल्कुल मरा हुआ सैंडविच होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं था, बहुत ज़बरदस्त सैंडविच था। और चलो अभी हम खाना खाने के बाद, खाना हमने आपको दिखा दिया, बुराक में आज हमने खाना खाया, उसके बाद बहुत बड़ी एक सेरेमनी हमने रखी है जिसमें 6 लोग पाँच अच्छा गाली दूँ भाई। अभी हम एक बहुत अच्छी चीज जो है वो करने वाले हैं, खोलने वाले हैं, अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। आज हम दिखाया भाई क्या शाम दिखाएगा, आज दो चीजें अनबॉक्स करेंगे, नए जो है अपने टैग, नए कार्ड से हमारा टैग खत्म हो चुका, पुराने वाले का है वो भी दिखाओ। ये हालत कुछ ऐसी होती है, कुछ भी सही है, कुछ बेहतर है, इसमें तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। कटा 5, कटा हुआ 5 दिखाओ, चलो चलिए शुरू करते हैं। और ये वीडियो जाएगी सीधा अकरम भाई के पास और यासिन साहब के साथ। एक दुखी पे निशानी लगानी पड़ेगी, दस्तियां गायब करनी पड़ेगी मुझे, पुरानी वाली जैसे जेब में रखूंगा। ओहो नहीं यानी वो प्रोफेशनल है ना, तो हम सबके गले आए, तुम प्रोफेसर नहीं बनो। मिलना चाहो चाहो चाहो। अच्छा इसमें बताऊं, आपने 2 कलर के ले लिए, भाई यही बात बोले, क्यों एक कलर क्यों मिले? तो भाई अभी हम कार्ड्स खेलते हैं, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो और चुप हो जाओ, तुम बेच रहा हूं मैं तुम्हारी दुकान।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।